जब सीजीआई चंद्रचूड को बोला गया चंदा भाई और सुप्रीम कोर्ट की कोठे से हुई तुलना, सीजीआई ने भी दे दी देख लेने की धमकी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड अपने फैसलों और बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। सीजीआई अपनी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और कड़क स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। जब से जस्टिस चंद्रचूड भारत के चीफ जस्टिस बने हैं, तब से मोदी सरकार उनके प्रति हमलावर रही है। इसी वजह से सीजीआई अक्सर हिंदू राइट विंग ट्रोलर्स के निशाने पर भी रहते हैं। इन्हीं में से एक है यूट्यूबर अजीत भारती, जिनका डू पॉलिटिक्स नाम का यूट्यूब चैनल है। हाल ही में अजीत भारती ने अपने एक वीडियो में सुप्रीम कोर्ट को चंदा भाई का कोठा कहा था। लगभग 18 मिनट का है वीडियो, जिसमें सीजीआई को भर भर कर गालियां दी गई थी। जब इस वीडियो का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में हुआ तो सीजीआई ने क्या कहा और अजीत भारती ने वीडियो में सीजीआई चंद्रचूड को लेकर क्या क्या कहा, आपको सब विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये बताएं कि सीजीआई चंद्रचूड एक न्यायप्रिय जज है? और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएसटीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अजीत भारती ने वीडियो में क्या कहा? अजीत भारती ने वीडियो में कहा, ये जमीन से कटी हुई वेश्याएं हैं जिन्हें भारत की स्थिति की कोई खबर नहीं, लेकिन ये एम्स्टर्डम की गलियों में अपनी सेवाएं देती रहती हैं। आज की चंदा भाई, जो इन सब की मौसी कही जाती है, उसने आर्मस्ट्रांग सहित लॉस वेगास में भी पोल डांस करके बहुत नाम कमाया है। विदेशों से प्रशिक्षित वेश्याएं ईमान धर्म नियम की चोंचलेबाजी तो बहुत करती हैं, पर पैसों की गड्डी मुंह पर मारो तो कमरे के अंदर तो छोड़ो, सड़क पर आपके लिए अपनी दुकान, दिन रात, दोपहर शाम, गोधूली भेला, मुंह अंधेरे, गाड़ी की पिछली सीट पर, बोनट पर, नदी में, आकाश में, कहीं भी दलालों के नाम और क्लाइंट के पैसे देखकर लेट जाएंगी। वस्तुतः एक वाक्य में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट कुछ रसूखदार दलालों की रखेल बनकर रह गई है। सीजीआई ने जवाब में क्या कहा? कोर्ट की सुनवाई पर नजर रखने वाली वेबसाइट बार एंड बेंच के अनुसार एक वकील ने सीजीआई के सामने कहा, मेरी अंतरात्मा इसका समर्थन नहीं कर रही है। एक वीडियो है जिसने मणिपुर मामले के बाद जजों को दोगला कहा। सुप्रीम कोर्ट की तुलना वैश्याले से की गई, जिस पर सीजीआई चंद्रचूड ने कहा, चिंता मत करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, उसे हम देख लेंगे। सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट और जजों को लेकर कई बार आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती रही हैं। राष्ट्रपति से भी हुई थी शिकायत। विपक्षी दलों ने कुछ महीने पहले सीजीआई चंद्रचूड की ऑनलाइन ट्रोलिंग को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिकायत की थी। मार्च महीने में 13 विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड की ऑनलाइन ट्रोलिंग के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया था। राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र में कहा गया था, हम सभी जानते हैं कि भारत के माननीय मुख्याधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ महाराष्ट्र में सरकार गठन और राज्यपाल की भूमिका के मामले में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे पर सुनवाई कर रही है, जबकि मामला अदालत में विचाराधीन है। ट्रोल आर्मी ने भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू कर दिया है। शब्द और सामग्री गंदे और निंदनीय है, जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों में देखा गया है।